उसको हम करेंगे रिवाइज एक ही रिविजन सेशन में हम सारे चैप्टर्स को करेंगे रिवाइज दूसरा पिलर जो है वो है वीडियो क्वेश्चन मैराथन तो हम वीडियो क्वेश्चन मैराथन को सेम वे में डिवाइड करते हैं एज पर योर एग्जाम जैसे आपके एग्जाम में सेक्शन ए और सेक्शन बी है वैसे ही वीडियो क्वेश्चन मैराथन भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किए सेक्शन ए जहां हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिर सेक्शन भी जहां हम सॉल्व करेंगे एम टी क्यूज यानी कि मल्टी टास्क क्वेश्चन सो फ्लेवर मिल जाए बिफोर यू गो फॉर एग्जाम। तो आज का सेशन जो है वो है रिविजन सेशन तो हम पहले रिविजन बोर्ड में स्टार्ट करेंगे रिविजन एंड देन वील प्रोसीड टू द वीडियो क्वेश्चन मैराथन सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स किन सेशन तो हम क्या कवर करने वाले हैं इस रिविजन सेशन में फॉर कॉपरेट एंड बिजनेस लॉ पहले तो हम ब्रॉड सिलेबस एरिया कवरेज करेंगे यानी कि अभी तक हमने जितने सेशंस किए हैं जितने चैप्टर्स किए वो सारे ही इनकॉपरेट होते हैं इस रिवीजन सेशन में जहां पे हम उसको रिवाइज करेंगे तो जैसे कि हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीगल सिस्टम था यू you नो know, जहां हमने इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ा तो हम वो सारी चीजें रिवाइज करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था तो हम वो भी करेंगे फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन जहां आपको याद होगा हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इन सबके बारे में पढ़ा था तो वो सब रिवाइज होगा फॉर्मेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल और फाइनेंसिंग कंपनीज का जहां हमने शेयर कैपिटल लोन कैपिटल के बारे में पढ़ा था मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेट कैसी होती है कंपनीज Law, हमने के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि क्या होता है एंड फाइनली कॉर्परेट फ्रॉड और क्रिमिनल बिहेवियर जहां हमने सीखा था फाइनेंशियल क्राइम क्या होता है इनसाइडर डीलिंग मनी लॉन्ड्रिंग और क्या क्या कैटेगरीज होती है ऑफ क्रिमिनल अफेंस तो वो सारे जो चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं वेरियस सेशन में वो ही सब हम रिवाइज करेंगे फिर हम करेंगे एनालिसिस ऑफ एग्जाम स्ट्रक्चर की जो आपका एग्जाम है एंड बिजनेस लॉ का वो कैसे है कौन से सेक्शंस में डिवाइडेड है कितना मार्क्स का है एंड ऑल ऑफ दैट एंड फाइनली रिवीजन सेशन के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ एग्जाम टेक्निक्स जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के वक्त सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रिवाइज तो जो सबसे पहला सेशन अगर आपको याद होगा क्योंकि हमने बहुत पहले कवर किया था वो था बिजनेस पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम तो हमारा फर्स्ट सेशन यही था एंड ऑफ़ कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि कैसे वो जो सोसाइटी है वो कंट्री है अपने आप को फाइनेंस करेगी वो produce क्या चीजें प्रोड्यूस करेगी कैसे प्रोड्यूस करेगी और वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है क्या वो अपने जो कंट्री है है उसी के के कंजम्पशन लिए कर रही या वो बाहर वो चीजें भेजने वाली है दूसरी कंट्रीज को सेल करने वाली है तो ये सारी चीजें जो है ये सारी डिसीजन आ जाते हैं कंपनी के इकोनॉमिक पॉलिसी में फिर अगर आपको याद हो हमें तीन मेन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था यस yes, मैम हमको याद है वो तीन क्या थे प्लैंड इकोनॉमी जहां पे जो भी डिसीजन है और चॉइसेस है वो गवर्नमेंट लेती है दूसरा था हमारा मार्केट इकनॉमी यहां पे जो भी डिसीजन है चॉइसेस है वो छोड़ दी जाती है मार्केट फोर्सेस पे यानी कि सप्लाई और डिमांड पे एंड फाइनल था जो कि मोस्ट पॉपुलर है यानी कि ज्यादातर कंट्रीज ये अडॉप्ट करती है वो था मेक्स इकोनॉमी जो कि एक मिक्सचर होता है ऑफ दोनों का एक तो प्लैंड और एक मार्केट ये सारी चीजें इकोनॉमिक सिस्टम में आती है फिर हमने क्या कवर किया था पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में जहां पे पॉलिटिक्स ऑफ़ कोर्स रिफर करते कि कैसे जो कंट्रीज है वो मैनेज की जाएगी क्या आपकी कंट्री में डिक्टेटरशिप है यानी कि कोई डिक्टेटर उसको रन कर रहा है या फिर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है यानी कि आप लोग जो लोग जो नॉर्मल हैं वो वोट करेंगे और चूज करते हैं एक इलेक्टेड बॉडी तो ये हो जाता है आपका पॉलिटिकल सिस्टम कुछ कंट्रीज में डिक्टेटरशिप होती है जैसे कि नॉर्थ कोरिया एंड ऑफकोर्स कुछ कंट्रीज में देर डेमोक्रेसी चाहे वो अमेरिका हो या इंडिया देन हमने बात की थी लीगल सिस्टम्स के बारे में तो लीगल सिस्टम इन अ कंट्री एम्बॉडी करता है बोथ जो भी लॉ है उस कंट्री के और क्या मैकेजम्स है उस कंट्री का जो कि बेसिकली प्लेस है टू रेगुलेट और एनफोर्स द लॉ जैसे कि कंट्रीज में पुलिस होती है राइट right? जिनका काम है कि वो रेगुलेट कर सके और एनफोर्स करें उन लॉज को फिर हमने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज ना अगर आपको याद हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज क्या होते हैं जैसे ने लॉज यहां हो रही है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ तब अकर होता है जब डिफरेंट लीगल जिस जो रिजन के लोग ट्रेड करते हैं एक साथ और उनकी जो रिस्पेक्टिव लीगल लॉज है वो होती है कॉन्फ्लिक्ट तो मतलब मैं एक दूसरी जगह से हूँ मेरे यहाँ कुछ अलग लॉज है जिसके साथ मैं ट्रेड कर रही हूँ वो दूसरी कंट्री से है दूसरी जगह से उनकी दूसरी लॉज है और फिर अगर कोई इश्यू होता है तो हम दोनों की जो लीगल रूल्स है वो होती है कॉन्फ्लिक्ट उसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज इंटरनेशनल लॉ एक सिस्टम है ऑफ लॉ जो कि रेगुलेट करता है ये इंटर रिलेशनशिप ऑफ सॉवरन स्टेट एंड एंड ड्यूटीज विथ रिगार्ड टू वन अनदर। देन वी हैड टॉक्ट अबाउट क्या क्या डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं विच आर यू नो कॉमनली फाउंड अराउंड द वर्ल्ड तो यहां हमने देखा था कि थ्री ब्रॉड टाइप के लीगल सिस्टम्स होते हैं जो कि कॉमनली आपको मिल जाएंगे इस दुनिया में एक तो हो जाता है हमारा कॉमन लॉ ये यूजुअली यू कुड फाइंड दिस इन कंट्रीज लाइक यूएस यूके देन वी हैव आवर सिविल लॉ यानी कि जो आपको फ्रांस जर्मनी में ज्यादातर देखने को मिलेगा वी हैव अ शरिया लॉ जो कि यूजुअली यू नो पाकिस्तान ईरान जैसी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा तो अब हम एक एक करके सारी इन लॉस को करते हैं रिवाइज कि कौन सी लॉ में क्या हमने पढ़ा था तो अगर आपको याद हो सिविल लॉ थी एक प्राइवेट लॉ यहां पे बेसिकली आप सेटल करते हो कोई भी डिस्प्यूट जो दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है तो यहां पे आपका गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं हो रहा है या फिर गवर्नमेंट या स्टेट जो है किसी को यू नो प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा है यहां पे इंडिविजुअल के बीच में जो मैटर है तो जैसे कि अगर मैं किसी पे केस करना चाह रही हूं तो वो सिविल लॉ हो जाएगा तो प्राइवेट लॉ है सेटल करता है डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है कि जो भी रॉन्ग पार्टी है उसको मिले कॉम्पेसेशन टू कॉम्पनसेट द रॉन्ग पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है यहां पे यू नीड टू प्रूफ ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तो आपको प्रूफ जो करना होगा वो करना होगा द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप सू कर सकते हो कोर्ट में उस इंसान को जिसके खिलाफ आप कर रहे हो अगर वो इंसान लायबल माना गया देन दे पेबल होगा इसमें दो पार्टीज होती है प्लान्ट या फिर क्लेमेंट भी बोल सकते हैं जो इंसान यू नो सफर कर रहा है जो कि क्लेम करना चाहता है जिसके जिसका गलत हुआ है और दूसरा है डिफेंडेंट जो अपने आपको डिफेंड करेगा सो और क्लेमेंट एंड डिफेंडिव दिफे एक्शन विल बी ब्रॉड बाई दी अग्रीव पार्टी कोर्ट जो है अवॉर्ड कर सकती है डैमेजेस या फिर कोई इक्विटेबल रेमेडी अगर डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट लगे तो कोई और वो सजेशन भी दे सकती है तो ये हो गई सिविल लॉ जो की प्राइवेट लॉ है फिर हमने बात की थी क्रिमिनल लॉ के बारे में जहाँ जो कि एक पब्लिक लॉ है और अगर आपको याद हो हमने ये भी पढ़ा था सिविल लॉ में जैसे कि अगर दो लोग के बीच में हो रहा है लेट्स से एच और एस के बीच में कोई केस है तो हम लिखते हैं एच वर्सेस एस राइट लेकिन क्रिमिनल लॉ में यूज़ली लिखा जाता है स्टेट वर्सेस जो भी पर्सन के साथ केस हो रहा है लेट्स एस या फिर जो वो है यूके में रिजीना द क्वीन होता है वर्सेस जो भी स्टेट uh, uh, जो भी पर्सन है एस हो गया एच हो गया एक्स वाई जी नाम क्रिमिनल तो लॉ होती है पब्लिक लॉ यहां पे जो भी रॉन्ग डूअर है उसने लॉ तोड़ी है जैसे कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अगेंस्ट द लॉ राइट यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल तो अगर आप वो करते हुए पकड़े को तो आपने एक लॉ तोड़ी है अ रॉन्ग डन टू सोसाइटी क्रिमिनल लॉ में वो होता है यू विल बी प्रोसिक्यूटेड इन द कोर्ट अगर आप गिल्टी पाए गए तो आप पनिश किए जाओगे या तो आपको कम्युनिटी सर्विस दे सकती है अगर कोई छोटा मोटा क्राइम हो तो यूजली कम्युनिटी सर्विस दी जाती है या फिर फाइन माना जाता है पर थोड़ा अगर सीरियस हो बड़ा हो तो आपको जेल भी हो सकती है और इट कुड ऑल्सो भी फाइन एंड इम्प्रेसमेंट यहां पे जो दो पार्टीज होती है वो होती है प्रोसिक्यूटर और अक्यूज अक्यूज वो पर्सन है जिसने वो क्राइम किया है और दूसरी पार्टी है प्रोसिक्यूटर यहां पे यू नीड टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिविल लॉ में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है लेकिन क्रिमिनल लॉ में आपको प्रूफ करना होता है बियॉन्ड एनी रीजनेबल फिर आ जाती है हमारी कॉमन लॉ ना यहाँ पे इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम यू नो इफेक्ट फ्रॉम 1066 किंग रिप्रेजेंटेटिव्स ने अटेंड किए थे लोकल कोर्ट्स कॉन स्टोर ऑफ कॉमन लॉ इज योर जुडिशियल प्रेसिडेंट जो कि हमने सेशंस में कवर किया था अगर आपको याद हो जुडिशियल प्रेसिडेंट बेसिकली ये होता है कि अगर कोई सिमिलर केस में कोई डिसीजन लिया गया था तो अगर उसके फैक्ट्स और आप अभी जो केस आकर आपके पास है दे आर नॉट वेरी डिफरेंट मटीरियल कोई डिफरेंसिस नहीं है प्री सिमिलर है तो जो जज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा जुडिशियल प्रिसिडेंट यानी कि उस केस में जो भी डिसीजन लिया गया था उसी के बेसिस पे वो भी डिसीजन लेगा क्योंकि द फैक्ट्स एफ मॉरल असेंबलर और अगर कोई मटीरियल डिफरेंस नहीं है इसी को हम कहते हैं जुडिशियल प्रिसिडेंट

प्रोवाइडेड अमंग अदर कंडीशन दैट कोई मटीरियल डिफरेंस नहीं है बिटवीन द केस तो अगर मटीरियल डिफरेंस नहीं है लेकिन केस था जिसमें मर्डर हुआ किसी का एंड सिमिलर केस आपको इस वक्त भी आया है तो अगर कोई दोनों केस के बीच में मटीरियल डिफरेंसेज नहीं है तो एक जज विल बी बाउंड वो अप्लाई करे डिसीजन फ्रॉम एन अर्लियर केस जिसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट देन है हमारी इक्विटी लॉ विच वॉज डेवलप बाय द कोर्ट ऑफ चांसरी सप्लीमेंट करने के लिए कॉमन लॉ बट रिप्लेस करने के लिए नहीं बस सप्लीमेंट करने के लिए ये बेस्ड थी ऑन फेयर डीलिंग्स बिटवीन द वेरियस पार्टीज इफ इक्विटेबल रूल्स जो है कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपके कॉमन लॉ के जो रूल्स है उसके साथ मतलब कॉमन लॉ के रूल्स और आपके इक्विटी लॉ के रूल्स अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तब इक्विटेबल रूल के जो रूल्स हैं वो प्रिवेल करेंगे तो उन दोनों के बीच में इक्विटी लॉ आएगी ऊपर देन योर कॉमन लॉ अगर रूल्स कॉन्फ्लिक्ट होते हैं देन आ जाता है शारिया लॉ विच इज बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ इस्लाम इसलिए ज्यादातर ये उन कंट्रीज में देखा जाएगा जहां पे यू नो मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम होती है कुरान जो है प्राइमरी सोर्स है इस शारिया लॉ का सो so सुनना कौन होता है रिकॉर्ड ऑफ वर्ट हैज कम टू बी द एक्सेप्टेबल कॉज ऑफ कंडक्ट जो स्कूल है अंडर द वो आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो हनाफी मक्की की हनाबली एंड शाफी और जैसे कि मैंने कहा था आपको सेशन के वक्त भी कि ये सारे टर्म्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं आगे भी जो हम टर्म्स देखने वाले हैं कि आप ये याद रखें कॉज इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है स्कूल्स ऑफ लॉ वो प्रोवाइड करते हैं और फर्दर डिटेल्स या इंटरप्रिटेशन कि क्या एक्सेप्टेबल कंडक्ट होगा और एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर लॉ एक शार्य जब जो है रिफर कर सकता है इन सेकेंडरी स्कूल को डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे वो बेसिकली लॉ को करे अप्लाई तो ये कुछ टर्म्स है जैसे कि इजिथार्ड यानी कि क्या मेथड है ऑफ इंटरप्रेटिंग योर लॉ तकलीद द बिलीव दैट नो फर्दर इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि इसके अलावा आपको और कोई फर्दर इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है इजमा ए कंसेंस ऑफ ओपिनियन है ऑफ योर लीगल स्कॉलर्स या जजेस करता है कंपैरिजन दो सिमिलर सिचुएशन का और एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेड लॉ इन द फर्स्ट सिचुएशन टू योर सेकेंड है इक्विटी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी या फेयरनेस एंड रीबा इलामिक कॉन्सेप्ट ऑफ अनलॉफुल गेन यूजली आप ट्रांसलेट करो उसको अगर बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है जो कि स्ट्रिक्ट फॉरविडेड है बाई दी कुरान तो रीबा होता है अनलॉफुल गेन सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द रूल ऑफ लॉ तो हमने इस सेशन में देखा था कि सेपरेशन ऑफ पावर और रूल ऑफ लॉ क्या होती है तो एक बार वो डिटेल में देखते हैं फिर से रूल ऑफ लॉ रिफ्लेक्ट करती है सिचुएशन जो कि एग्जिस्ट करती है जब मेंबर्स किसी भी सोसाइटी के जो हैं ओबे करते हैं टू अ सेट ऑफ रूल्स जो कि उनका जो बिहेवियर है गवर्न करेगी सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो प्रोसेस होता है ऑफ़ मेकिंग लॉस वो सेपरेट किया जाता है इन थ्री डिस्टिंक्ट एरियाज की यानी कि जो पावर है वो सिर्फ एक के पास नहीं वो separated है वो सेपरेटेड है इन लेवल्स पे और जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था कि जैसे कि कई कंट्रीज़ में यू you नो know, आपका प्रेजिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर होता है तो जो है पावर सेपरेट की जाती है सिर्फ एक ही यू नो इंसान को सारी पावर नहीं दी जाती है तो लॉ के प्रोसेस में तीन डिस्टिंग एरिया है एक तो आपका लेजिस्लेचर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनैक्टिंग जो भी लॉ की लॉज हैं आपकी स्टेट की उसको एनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है लेजिस्लेचर के बाद फिर है आपके पास एग्जीक्यूटिव ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंप्लीमेंटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग पब्लिक पॉलिसी विच इज इनेक्टेड एंड फंडेड बाय योर लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड फाइनल है जुडिशरी जिसका रोल है कि वो इंटरप्रेट करें और अप्लाई करें वो लॉज जो कि ने बनाई है दीज मे बी बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स जो कि हो जाती है आपकी क्रिमिनल लॉ या ये हो सकते हैं बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट लॉ जो कि हो जाती है आपकी सिविल लॉ यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के क्या जनरल पर्पसेस थे अब आ गए हम इंटरनेशनल ट्रेड के पार्ट पे जो, UN है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, उसके क्या पर्प है कि भाई दे वांट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस अमंग जो भी नेशंस है पार्ट उसके प्रमोट करना इन ऑफ कॉपरेशन इन जो भी उनका सॉल्व करना कोई इकोनॉमिक अगर प्रॉब्लम हो रही है सोशल प्रॉब्लम है कल्चर प्रॉब्लम है या कोई ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है तो उन सबको कैसे सॉल्व किए जाए को करके प्रमोशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल फ्रीडम्स ये कुछ पर्पज है United Nations के. फिर आ जाता है हमारा यूनिक्रल यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ तो ये वन ऑफ द टू बॉडीज है जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होती है जब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ की जो दूसरी बॉडी है वो है आपकी इंटरनेशनल लॉ कमीशन ये कॉन्सेंट्रेट करती है ऑन दी डेवलपमेंट कोडिफिकेशन जो ऑफ हो और इंटरनेशनल लॉ तो जो आपकी इंटरनेशनल लॉ है वो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप करती है

ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आपकी जनरल अग्रीमेंट ऑन एंड जिसको हम गैट भी कहते हैं एंड दे आर डिवोटेड कि कैसे प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल फ्री ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटर करता है आपके जो भी ट्रेड अग्रीमेंट्स है ये एक फोरम है फॉर योर वेरियस ट्रेड अग्रीमेंट कोई भी जो ट्रेड के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको सेटल करेंगे रिव्यू करेंगे अपनी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को असिस्ट करते हैं जो भी डेवलपिंग है, है, कंट्रीज हैं उनको ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं चाहे उनको ट्रेनिंग देना हो या कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस और कोऑपरेट करते हैं बाकी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ तो ये कुछ यू नो पर्पज है जनरल काम है डब्ल्यू का नहीं आ जाता है एक और पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ओई यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये एक ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज है जिसका मॉडर्न एम है दे वांट टू बी अ फोरम जहां पे डिस्कस किया जाए डेवलप किया जाए एंड रिफाइनिंग योर इकोनॉमिक और सोशल जो भी पॉलिसीज है ना जो ओ है उसकी थर्टी मेंबर कंट्रीज है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उनके पास अगेन रिलेशनशिप है विद फर्दर सेवेंटी कंट्रीज दे वो हिस्टोरिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली सेटअप किया गया था यू नो टू एडमिनिस्ट्रेट यूएस और कैनेडा को एड टू यूरोप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू है उसको सेटअप किया गया था क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स एंड नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस फॉर दोज कंट्रीज मेबर्स एंड अदरवाइज एंड ये प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस जैसे कि कॉपरेट गवर्नेंस पे की कैसे कंपनी को आप मैनेज कर सकते हो तो ओई सी डी के अपने खुद प्रिंसिपल्स भी ऑफ कॉपरेट गवर्वनेंस क्स्ट इज योर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ जो कि होता है यूनिट ड्रॉइड रिमेंबर आपको अगर याद हो हमने सेशन में पढ़ा था कि ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका क्या काम है दिल स्टडी द नीड एंड मेथर्स ऑफ हार्म हार्मोनाइजिंग आपकी जो प्राइवेट कमर्शियल लॉ है इनके पास सिक्सटी थ्री मेंबर स्टेट है फ्रॉम फाइव कॉन्टिनेंट्स दे आर फाइनेंस बाय कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मेम्बर स्टेट जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो प्रिपेयर करें ऐसी मॉडर्न हार्मोनाइज और यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ योर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हैज अ थर्ड टीयर स्ट्रक्चर यानी कि इनका होता है एक सेक्रेटरेट देर विल बी अ गवर्निंग काउंसिल एंड अ जनरल असेंबली तो तीन टीयर का इनका स्ट्रक्चर होता है पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन इज योर आई सी सी यानी कि इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इनका पर्पज क्या होता है इज टू सर्व द वर्ल्ड बिजनेस कैसे बाय प्रमोटिंग जो भी ट्रेड होगा इन्वेस्टमेंट होगा जो भी ओपन मार्केट है उसमें दे विल एडवोकेट फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन अमंग द बिजनेसेस ये इंकरेज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों डेवलप्ड और इवन डेवलपिंग कंट्रीज में दे आर एक्टिव इन इट्स अटेम्प्ट टू फाइट कोई भी अगर इंटरनेशनल कमर्शियल क्रिमिनल एक्टिविटीज है तो उसको फाइट करने के लिए भी दे आर वेरी एक्टिव दे आर कंसर्न विद जो भी लीगल प्रोसेस है जो कि अंडरपेन करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए एंड दे हैव आल्सो डेवलप्ड इनको टर्म्स जो कि हम इसमें भी अभी देखेंगे जल्दी ही पर अगर आपको याद हो हमने सेशन में भी वो इनको टर्म्स पढ़े थे राइट तो हम वो यहाँ पे भी रिवाइज करेंगे अभी बैरियर्स टू फ्री इंटरनेशनल ट्रेड तो इंटरनेशनल ट्रेड के क्या बैरियर्स थे मतलब क्या ऐसी कुछ चीजें होती है जो इन अ वे बैरियर तो होते हैं ना कि रुकावट डालने के लिए टैरिफ्स होते हैं कस्टम ड्यूटीज होते हैं यू नो दे आर बेसिकली टैक्स ऑन योर इंपोर्टेड गुड्स एंड क्यों ये बैरियर्स डलते हमने ये भी देखा था कि भाई यूजली जो यू नो कंट्री है अपनी वो अपनी जो लोकल बिजनेसिस हैं उनको ओबियसली प्रोटेक्ट करना चाहती है इम्पोर्ट कोटाज होते हैं यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि अलाउ किया जाएगा कि वो इम्पोर्ट हो उस कंट्री में एम्बार्गो होता है एक ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंट्री यानी कि टोटल बैन इफेक्टिवली कंट्री से तो कोई भी इंपोर्ट नहीं आएगा तो अगर लेट्स से दो कंट्रीज वॉर पे, तो वह एक, एक दूसरी कंट्री पे एम्बार्गो लगा सकती है कि इस कंट्री से कुछ भी नहीं इंपोर्ट होगा तो ये सारे कुछ बैरियर्स हैं आपके फ्री इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं हम

फर्स्ट टाइम इसलिए उसको कहते हैं कोर्ट 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 ऑफ ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट एक एक अपीलेट या अपील जो है वो एक होती है वो हायर होती जहां पे कोई भी प्रीवियस डिसीजन जो लोअर कोर्ट का है वो आप दोबारा सुन सकते हो इसलिए कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं एक बार आप वो डिसीजन कहीं सुन चुका है लेकिन अगर कोई हैप्पी नहीं है उसके साथ अपील करता है आगे और तो कोर्ट ऑफ अपील में जाती है ड्यूटी और डिस्प्यूट ओवर ऑफ लॉ और अ अ पॉइंट ऑफ फैक्ट इन डिसाइडेड केस तो जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है हाईएस्ट कोर्ट जो इंग्लैंड में है वो है सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू यूके की मेंबरशिप ऑफ यू यानी यूरोपियन यूनियन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है यूरोपियन कोर्ट जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस जो सिविल कोर्ट है उसकी क्या की कोर्ट्स हैं सिविल सिस्टम है और अगर आपको याद हो सेशन में हमने इसको एक डायग्राम फॉर्म में देखा था आती है काउंटी कोर्ट विल हैव सिविल जेरिस्डिक्शन जो डील करती है ऑलमोस्ट कोई भी टाइप का जो सिविल केस होगा बट एट अ लोकल लेवल देन यू हैव हाई कोर्ट ये डील करेगी थोड़े मेजर केसेस के साथ एट फर्स्ट इंस्टेंस भी हो सकता है कि पहली दफा कोई अगर बड़ा केस हो तो वो यहाँ जाएगा या फिर जो आपके काउंटी कोर्ट में कोई केस चला है उसकी अपील भी हाई कोर्ट पर आ सकती है एंड देन यू हैव कोर्ट ऑफ अपील जो कि एक मेजर अपील कोर्ट है फॉर एनी सिविल मैटर्स तो ये तो हो गया सिविल कोर्ट बट यू ऑल्सो है क्रिमिनल कोर्ट अगर आपको याद हो क्रिमिनल कोर्ट भी था तो जो की कोड है इन क्रिमिनल सिस्टम वो है आपका मैजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर क्राउन कोर्ट जो कि लोकल कोर्ट है जो कि हेयर करेगा जो भी बल्क क्रिमिनल केसेस है छोटी मोटी चोरी हो गई या ऐसे कुछ एंड देन यू ऑफ ऑफ कोर्स हैव योर कोर्ट अपील नाउ क्राउन कोर्ट हेयर करता है एट फर्स्ट इंस्टेंस और अपील कोर्ट एंड इज एन अपील कोर्ट फ्रॉम मेजिस्ट्रेट कोर्ट केसेस आर अपील फ्रॉम योर क्राउन कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ अपील तो अगर कोई केस यू नो आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो कि क्राउन कोर्ट की डिसीजन से तो फिर आप अपील कर सकते हो टू द कोर्ट ऑफ अपील अब क्या कुछ फायदे हैं और क्या कुछ नुकसान है अगर आप कोर्ट बेस एजुडिकेशन की तरफ जाओ तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स प्रो क्या है कि भाई कोर्ट ऑर्डर्स एंड रूलिंग्स जो है इफेक्टिव होती है दैन आर्बिट्रेशन इन सर्टन सर्कमस्टांसिस ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कोर्ट बेस यू नो एजुडिकेशन है तो यहाँ पे जुडिशल प्रेसिडेंट आ जाते हैं यानी कि अगर कोई पुराना केस सिमिलर uh, मैटर्स है तो वो जज जो है उसी के बेस पे फिर करेगा कौन है कि ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेंसिव देन आर्बिट्रेशन क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर लॉयर्स हायर करने होंगे और आपको पता है कोर्ट केस बहुत लेंदी होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है साल दो साल भी चल सकता है तो दैट विल बी ऑफ कोर्स वेरी एक्सपेंसिव टाइम टेकिंग एंड लेंदी प्रोसीजर देन आर्बिट्रेशन जैसे कि मैंने कहा कोर्ट केसेस में बहुत टाइम लग जाता है डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में भी हो बट इन जनरल कोर्ट केसेज डू टेक अलॉट ऑफ टाइम इंटरनेशनल कोर्ट दो मेन इंपॉर्टेंट कोर्ट यहां पे हैं आपके यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस और आपका आईसीए यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है इंटरप्रेट करेगा यूरोपियन यूनियन लॉ टू मेक श्योर कि वो अप्लाई की गई है सेम वे में इन ऑल ईयू कंट्रीज जो जो कंट्रीज पार्ट ऑफ द यू उसमें वही सारी चीजें अप्लाई होंगी

देना जाता है आईसीए जो कि सेटअप किया गया है बाय और आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स जस्ट अभी ऊपर कवर किया था ये प्रमोट करता है कि आप यूज करो आर्बिट्रेशन प्रोसीजर्स इन एनी कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूट ओवर करता है सारे एलिमेंट्स विथ रिगार्ड टू जो आपका आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता है सो दे में लिस्ट ऑफ की कौन कौन आपके यू नो आर्बिट्रेटर हो सकते हैं कन्फर्म करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ दो आर्बिट्रेटर

फुल स्किल जो आपके कोर्ट के प्रोसेस होते हैं यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो या तो नेगोशिएट कर सकते हो या मीडियेशन या फिर आर्बिट्रेशन सिस्टम यूज कर सकते हो तो आर्बिट्रेशन क्या है बेसिकली सेटलमेंट है किसी भी डिस्प्यूट का बाय इंडिपेंडेंट पर्सन यूजली चोजन बाय द पार्टी अब आर्बिट्रेशन करने के यानी की एडीआर अडोप्ट करने के क्या एडवांटेजेस है पहले तो कॉस्ट की भाई आपको कोर्ट कचहरी के यू नो चक्करों में नहीं पड़ना है तो कोई कोर्ट का कॉस्ट नहीं है कोई कॉस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लॉयर्सकोर्स बड़े यू नो एक्सपेंसिव पड़ते हैं आप एक किसी लॉ फॉर्म को हायर करोगे आपको रिप्रेजेंट करने को या टीम ऑफ लॉयर्स को तो वो ऑफ ऑफकोर्स एक्सपेंसिव पड़ेगा स्पीड जनरली दे आर मोर क्विकर देन ऑफकोर्स टेकिंग एनी डिस्प्यूज टू द कोर्ट यहाँ पे फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ प्रोसेस है एंड उस वजह से क्विकर डिसीजन हो सकते हैं प्राइवेसी है अगर कोई मैटर कोर्ट में जाता है देन वो पब्लिक हो जाता है राइट आप उसको प्राइवेट नहीं रख सकते बट यहाँ पे जो है यू कैन कीप इट प्राइवेट इट इज एन मैटर मैटर बिकॉज कोर्ट प्रोसीडिंग्स एज वी नो इज अ ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड अनपब्लिस है कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल हो सकती है आपको एक यू नो रूल्स रेगुलेशन पूरे फॉलो करने होते हैं मीटिंग्स uh, करनी होती है जो डेट दी है उस तारीख पे आप जाओगे लॉ में कोर्ट पे एंड ऑफ कोर्स जो प्रोसीडिंग्स होगी वहाँ बहुत स्ट्रेसफुल होगी इनफॉर्मैलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस है इस वजह से लेस स्ट्रेसफुल होता है एक्सपर्टीज आर्बिट्रेटर के पास यू नो एक्नॉलेज एक्सपर्ट होता है इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड एरिया जो भी अंडर डिस्प्यूट होगा जज इज एन एक्सपर्ट इन लॉ विद पॉसिबली नो एक्सपीरियंस इन द डिस्प्यूटेड मैनर जज जो होगा उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के लिए जरूरी नहीं है वो एक्सपर्ट हो लेकिन आर्बिट्रेटर जो पर्टिकुलर आपसे लग करोगे वो उस मैटर में एक्सपर्ट ही होगा यूजली तो एटलीस्ट ऐसा होगा डिसीजन क्योंकि आर्बिट्रेशन इज नॉट बाई बाउंड बाई प्रेसिडेंट यहाँ पे जो डिसीजन है वो ज्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं वहाँ पे हमने देखा जुडिशियल प्रेसिडेंट है तो मतलब अगर ऐसे कोई सिमिलर केस है तो जज को वही अप्लाई करना होगा वो कुछ और नहीं कर सकता बट यहाँ पे द आर्बिट्रेटर कैन बी मोर इनोवेटिव क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है आर्बिट्रेशन को इंटरनेशनल कब मानेंगे ओनली इफ जो पार्टीज है टू दियो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट उनकी जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो डिफरेंट स्टेट्स में यानी कि डिफरेंट कंट्रीज में है द पार्टीज प्लेस ऑफ बिजनेस सेम स्टेट में है बट जो जो प्लेस आपने किया आर्बिट्रेशन वो आप डिफरेंट स्टेट में है या जो ऑब्लिगेशन है कमर्शियल रिलेशनशिप का वो परफॉर्म किया डिफरेंट स्टेट में तब भी इंटरनेशनल माना जाएगा कि आप दोनों के चलो प्लेस ऑफ बिजनेस तो एक जगह है लेकिन आर्बिट्रेशन आप दूसरी कंट्री में कर रहे हो या फिर आपका कमर्शियल रिलेशनशिप दूसरे कंट्री में था पार्टीज एक्सप्रेसली अग्रीड की जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन है वो रिलेट करता है इंटरनेशनल इनिक लॉ क्या होता है इस्लामिक तो लॉ में कहा जाता है इस्लाम में कहा जाता है आर्बिट्रेटर को होना होगा एक मुस्लिम वेल वर्स्ट ऑफ शारिया लॉ एंड शुड बी ऑफकोर्स एबल टू आर्बिट्रेट So, for a dispute to be submitted to arbitration under your UN models law on international commercial arbitration to turn arbitration hona in writing, there should therefore be any by an arbitration clause agreement. एंड टू क्वालिफाइज बिंग राइटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स जो है शुड भी अप्रोप्रेट यानी कि यू शुड भी इट शुड भी कंटेंड इन अ डॉक्यूमेंट अगर आप कह रहे हो इट नीस शु बन राइटिंग तो क्या होना चाहिए इट इट शुड भी कंटेंड इन अ डॉक्यूमेंट जो कि साइन किया गया बाय बहुत पार्टीज इन एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो रहा है जहाँ पर आप क्लियरली रिफर कर रहे हो ऐसे एक डॉक्यूमेंट या क्लॉज में जहाँ पर वो है एन एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ लीगल नेचर क्लियरली रिफरिंग टू सच एन अग्रीमेंट ऑफ क्लॉज या फिर अनदर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज रेफरिंग टू दो आर्बिट्रेशन और अग्रीमेंट क्लॉज अब आर्बिट्रेशन समझ लिया हमने क्या है रिवाइज कर लिया हमने किया है अब फिर रिवाइज करते हैं हम आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल क्या है तो अगर पार्टीज ने अग्री किया है That, उनके पास एक सोलिट्रेटर ही होगा तो ये दो तो पार्टीज पार्टी है मैटर टू एनी नॉमिनेटेड कोरियर ट्रिब्यूनल जो उनके बिहार पर डिसाइड कर सके की कौन होगा Let's say the have not on a sole तो मॉडल ऑफ स्टेट क्या करती है कि अगर आप दोनों अग्री नहीं कर पा रहे हो तो तीन आर्बिट्रेटर होंगे वन विल बी चोजन और एक चोज किया जाएगा बाय जो दो हैं तो आप अगर नहीं एक डिसाइड कर पा रहे हो तो दोनों पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर ढूंढेंगी और फिर वो दो आर्बिट्रेटर्स चूज करेंगे द थर्ड आर्बिट्रेटर कब टर्मिनेट होती हैं प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स बेसिकली खत्म हो जाती है दे कम टू एन एंड जब कोई एक अवार्ड दिया गया है या फिर विद अ टर्मिनेशन ऑर्डर सो जो भी आर्बिट्रल अवार्ड है वो राइटिंग में होना चाहिए इट नीड्स टू बी साइड बाटर्स वो स्टेट करेगा की क्या रीजन है बिहाइंड अवार्ड की उस पर्सन को ग्रांट कर रहे हो अवार्ड अग्री कर दो क्लेम था वो सही था या जो भी है आप स्टेट करोगे क्या डेट है अवार्ड का क्या प्लेस थी आर्बिट्रेशन की एंड बी कॉपीड और ये जो कॉपीज हैं आप वो दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व थी उनको भेजोगे तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर योर आर्बिट्रल अवार्ड का कैसा कंटेंट होगा ऑल राइट right. अब आ जाते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स अगर याद हो आपको हमने सेशन में पढ़ा था कि भाई सेल्स क्या होती है यू नो एग्जैक्टली प्लेस ऑफ बिजनेस क्या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं क्या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं सो so, ये अप्लाई करता है टू कॉन्ट्रैक्ट जब बायर और सेलर है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट नेशनलिटी ऑफ द पार्टीज इस केस पे रेलिवेंट नहीं है लोकेशन ऑफ पार्टीज बिजनेस जो है वो इंपॉर्टेंट है वो उनकी क्या नेशनलिटी वो मैटर नहीं करता है सो so, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड इज वन इन वेलर है वो अग्री करता है मनी yes, कंसिडरेशन जो, जो कि यूजली होता है प्राइस उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ये कन्वेंशन हाउ एवर अप्लाई नहीं करता है कुछ चीजों पर अगर याद हो हमनेशन में रिवाइज किया था अगर आपने गुड्स खरीदे हैं पर्सनल फैमिली हाउस के लिए कन्वेंशन उसमें अप्लाई नहीं होता है अगर उसमें भी नहीं अप्लाई होता है तो हो अपलाई नहीं होता है या फिर अगर आप सेल कर रहे हो शिप वेसल्स होवरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट एंड फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी तो इन सारी चीजों पर दिस कन्वेंशन विल नॉट अप्लाई दिस कन्वेंशन डॉट अप्लाई टू सेल ऑफ कॉमोडिटीज फॉर पर्सनल यूज

तो आप कौन सी प्लेस ऑफ बिजनेस को रेलिवेंट मारोगे फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट वो प्लेस को विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड टू द कॉन्ट्रैक्ट और उसकी परफॉर्मेंस तो अगर एक सेलर है लेट्स से उसकी कई सारी प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इस कॉन्ट्रैक्ट जो भी वो आप पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करो उससे जो मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड है टू द कॉन्ट्रैक्ट और उसकी परफॉर्मेंस वो रेलिवेंट प्लेस ऑफ बिजनेस होगी अगर इधर ऑफ द पार्टी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है तो जो रेलिवेंट प्लेस होगी वो होगी उस पार्टी का जो एक्चुअल रेजिडेंस है तो अगर आपने कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं आपकी तो जो आपका नॉर्मल रेजिडेंस है वो फिर ट्रीट किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस ये जो अग्रीमेंट है नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय अ अंस्ट्रेशन एंड मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशन सो एन ऑफर को माना जाता है सफिशियंटली डेफिनेट प्रपोजल फॉर कंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच मतलब एड्रेस किया गया है एक से ज्यादा लोगों के लिए इंडिकेट करता है कि इंटेंशन है और विलिंगनेस है ऑफर का कि वो बाउंड होगा अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ अ ऑफर इट द गुड्स जो कि इन्वॉल्व किए गए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में यानी क्वांटिटी है क्या प्राइस है एंडिफाई करता है, कि हाँ, आपने जो दिया है, वो है। कि आप बता रहे हो ना कि का मतलब कि आप क्लियरली बता रहे हो ये क्वांटिटी है ये प्राइस है कोई भी ऑफर कब इफेक्टिव बनता है वेन इट रीचेज द ऑफरी वेदर चाहे वो ओरली uh, आपने उसको यू you नो know, बताया हो बाई मेल भेजा हो या पर्सनल टेरवी तो जब ऑफर इफेक्टिव तब होगा जब वो ऑफरी के पास पहुंच जाता है चाहे जा आपने इसमें से कोई सी भी मेथड से किया हो एंड ऑफर विल सीज टू बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस अगर वो विद्रॉ किया गया है रिवोक किया गया है और रिजेक्ट किया गया हो तो जैसे कि आपको याद होगा हमने इस सेशन में पढ़ा था विदड्रॉल क्या होता है ये वो होता है कि ऑफर ने कम्युनिकेट कर दिया ऑफरी को कि भाई मुझे करना है ये विद्रॉ और ये वो करता है बिफोर जो है ऑफरी ने एक्चुअली इसका ऑफर रिसीव किया सो बिफोर so

एंड रिजेक्शन हो, होता है वेन द ऑफरी बेसिकली से ऑफरी का एक्सेप्टेंस कम्प्लीट नहीं है एंड अनकंडीशनल है अब एक्सेप्टेंस क्या होता है उसको कब इफेक्टिव मानेंगे एक्सेप्टेंस होता है इफेक्टिव द मोमेंट की आपने इंडिकेट किया है इंडिकेशन ऑफ एसेंट रीच करता है ऑफरी को सो so एक बार ऑफरी ऑफर के पास एक इंडिकेशन आ गया तो वो माना जाएगा एस एक्सेप्टेंस साइलेंस को आप कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है एंड एक्सेप्टेंस हो सकता है मे बी बाय अ कंडक्ट इफ एक्सेप्टेंस इज बाय लेटर तब वो इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट जो कि शो की गई है उस लेटर पे पर कई बार अगर आप किसी के साथ नहीं, नहीं बहुत टाइम से डील करो तो एक्सेप्टेंस जैसे हमने कहा बाय वे ऑफ कंडक्ट भी उनका हो सकता है एक्सेप्टेंस शुड बी विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ द ऑफर अगर ओवरऑल ऑफर आपने दिया तो इमिडियट एक्सेप्टेंस होना चाहिए अगर आपने ई मेल किया था तो टू और थ्री डेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतने में एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए और अगर सरफेस मेल ऑफर था देन अ फ्यू डेज और अगर आपने बाय पोस्ट भेजा था टेलीग्राम ऑफर था देन रीजनेबल टाइम विल कमेंट फ्रॉम द डेट दिस वॉज हैंडेड इन फॉर डिलीवरी तो जिस दिन उसको डिलीवरी मिली है उस दिन से फिर रीजनेबल टाइम शुरू हो जाएगा काउंटर ऑफर क्या होता है वो एक रिप्लाई है टू एन ऑफर जो कि पर्पज करता है टू बी एक्सेप्टेंस यानी कि आप बोल रहे हो कि हाँ मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं लेकिन कुछ एडिशन या कुछ आप कम कुछ कम करना चाहते हो और या मॉडिफाई करना चाहते हो आपकी जो टर्म्स ऑफ ऑफर है तो उसको आप करते हो काउंटर ऑफर अब आ जाते हैं हम इनको टर्म्स जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई आईसीसी ने यू नो प्रोड्यूस की है इनको टर्म्स तो इनका आइडिया है टू एड्रेस करना कोई भी मेन इशू जो कि इन्वॉल्व है इंटरनेशनल ट्रेड में ये इनकोपरेट की जाती है इंटू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में होगा अगर आपको याद हो हमने ग्यारह इनको टर्म्स पढ़ी थी दो यू you नो know, उनकी कैटेगरीज होती है एक तो होता है एनी मोड और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है ओनली आपका मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट तो अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था सबसे पहले ही एक्स वर्क्स ये एक इनको टर्म जहां पे हम कहते हैं कि मिनिमम ऑब्लिगेशन होता है सेलर का व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग ऑफ द गुड्स यहां हम कह रहे हैं कि बायर रिस्पॉन्सिबल है हर वो कॉस्ट के लिए जो कि इंकार किए गए हैं इन डिलीवरी फ्रॉम सेलर प्रमिसेस तो एक्स वर्क में आप बेसिकली कह रहे हो कि भाई सेलर के जो है मिनिमम एकदम ऑब्लिगेशन है विथ रिगार्ड्स टू डिलीवरिंग ऑफ द गुड्स और जो बायर है आपका वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोस्ट ऑफ द कॉस्ट जो कि इंकर किया गया है वेन आर डिलीवरिंग फ्रॉम सेलर्स प्रेमिस दूसरा जो टर्म है वो है एफ यानी कि फ्री कैरियर यानी कि जो सेलर है वो कंप्लीट करेगा सारे ऑब्लिगेशन व्हेन द गुड्स हैव बीन बीन फॉर एक्सपोर्ट एंड कस्टडी हैज ट्रांसफर टू अ अ कैरियर एट स्पेसिफाइड प्लेस है उस प्लेस पे आपने जब उसको कस्टडी दे दी हो कैरियर को दूसरा फिर है हमारा नेक्स्ट है सी यानी कि कैरेज एंड इंश्योरेंस पे टू यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल है कोई भी कैरेज और इंश्योरेंस के लिए बट अप टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन उस लोकेशन के बाद जो है बायर की हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर है हमारा सीपीटी यानी कि कैरेज पे टू यहां पे सेलर पे करता है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू अन अगेन अ स्टेटेड लोकेशन और एक बार वो लोकेशन हो गई वंस एट दैट लोकेशन तब बायर को अज्यूम करनी पड़ेगी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देन है डी ए टी यानी कि डिलीवर्ड एट टर्मिनल यहाँ पे रिक्वायर करते हैं कि सेलर पे करे कैरेज को टू द टर्मिनल एंड कोई भी कॉस्ट जो कि असोसिएटेड है अप टू द टाइम ये गुड्स जो है अनलोड किए गए हैं उस टर्मिनल पे ये इंक्लूड नहीं करता है कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट क्लियरेंस बेसिकली वो फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है

सेलर बेयर करेगा सारे यू नो कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग गुड्स टू द नेम डेस्टिनेशन एक्सेप्ट फॉर योर इम्पोर्ट क्लियरेंस कॉस्ट दिस मीन ऑल द कॉस्ट अप टू द पॉइंट जब गुड्स रेडी हैं टू बी अनलोडेड बाय द बायर एट द अग्रीड डेस्टिनेशन वो सारे फिर सेलर्स लेता है

पहली है एफ एस यानी कि फ्री अलॉन्ग साइड शिप ये ओनली अप्लाई होता है जब गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करो एक शिप से, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब खत्म होगी जब ये गुड्स प्लेस किए गए हैं ऑन द को अलॉन्ग साइड द शिप बायर को अरेन्ज करना होगा फॉर एनी एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज फ्री ऑन बोर्ड यहाँ पे बायर अरेज करता है shipment, अपनी हो शिप पे सैलर प्रोवाइड करेगा कोई भी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और बायर ही प्रोवाइड करता है इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन देन देर इज सी एफ आर यानी कॉस्ट एंड फ्राइड ओनली एप्लीकेबल टू गुड्स जो की डिलीवर किए गए हैं बाय शिप से ऑल कॉस्ट एंड गुड्स है आफ्टर दैट पॉइंट बायर को ही अज्यूम करनी पड़ेगी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बायर ही अरेंज करता है कोई भी मरीन इंश्योरेंस या फिर कस्टम कॉस्ट के लिए एंड एंड इज यानी कि कॉस्ट कॉस्ट इंश्योरेंस ऑल थ्री जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सेलर की इंश्योरेंस इज सच दैट बायर के पास राइट right है कि वो रिकवर कर सके फ्रॉम द इंश्योर और मिनिमम इंश्योरेंस कवर आपको देना पड़ेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है प्लस टेन परसेंट तो ये थी सारी हमारी इनको टर्म्स अब हम आ जाते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर में कि एक seller की क्या क्या ऑब्लिगेशन होती है तो अगर आपको याद हो हमने सेशन में भी पढ़ा था कि जो seller की होती है, वो हमेशा होती है, to delivery and quality, जो भी goods है उसकी तो पहले देखते हैं हम डिलीवरी कि सेलर इज ऑब्लाइज कि वो डिलीवर करे गुड्स हैंड ओवर करे कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है जो रिलेट के साथ और कर दे ट्रांसफर टाइटल ऑफ द गुड्स एज इट इज रिक्वायर्ड बाई दी विद इन द कॉन्ट्रैक्ट तब जो है गुड्स आपको डिलीवर करने होंगे उसी स्पेसिफाइड प्लेस में तो अगर आपने मैंशन किया है कॉन्ट्रैक्ट में कि, कि किस जगह पर होगी ये डिलीवरी तो वही आपको करनी होगी अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तब इंप्लाइड टर्म्स विल अप्लाई यानी कैरेज ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट सेलर का ऑब्लिगेशन तब सीज होता है जब ये गुड्स बेसिकली पहले कैरियर के पास पहुंच जाते हैं इफ अनटिफाइड गुड्स आर इन द सेलर्स इन्वेंट्री तो सेलर का ऑब्लिगेशन तब कंप्लीट होता है अपॉन मेड यूर प्लेसिंग दिस गुड्स आर बाय डिस्पोजल अगर स्पेसिफिक गुड्स आर इन्वॉल्व अगेन सेलर का ऑब्लिगेशन तब कंप्लीट हो जाएगा वेन आर प्लेस द गुड आर बाय डिस्पोजल And अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं आती है बायर एड सेलर के खुद की प्लेस ऑफ बिजनेस में तो तब आप मानोगे की ये हो गया है कॉन्ट्रैक्ट इनवॉल इफ द गुड्स एस ए नॉट स्पेसिफिक यानी कि अन आइडेंटिफाई गुड्स है इन्वेंट्री सेलर को जो है नोटिफाई करना पड़ता है बायर को कि क्या डिटेल ऑफ दैट कंसाइनमेंट क्लियर इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे इन एडिशन चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए नॉन यू नो टू द पर्टिकुलर गुड्स। अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स है देन आपको प्लेस करना होगा इन हैंड्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैरियर टाइमिंग ऑफ डिलीवरी ये भी डिलीवरी का पार्ट होता है कि डिलीवरी शुड बी एफेक्टेड ऑन द डेट जो कि आपने स्पेसिफाई की है कॉन्ट्रैक्ट में तो हर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि इस दिन चलो डिलीवरी होगी तो उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको जो है डिलीवरी करनी होगी अगर कोई डेट या पीरियड लेते स्पेसिफाई नहीं किया पर आपने कॉन्ट्रैक्ट में देन सेलर शुड डिलीवर विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेलर ऑब्लिगेशन वो आ जाता है क्वालिटी पे यानी कि जो सेलर है उसको डिलीवर करना चाहिए गुड्स विच आर ऑफ द क्वांटिटी क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन विच वॉज रिक्वायर्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट देर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द सेलर कि वो इंश्योर करे कि ये गुड्स कंप्लाई करते हैं विद द बायर की जो लेजिस्लेशन है कंट्री अनलेस सेम लेजिस्लेशन खुद सेलर की कंट्री में भी है या फिर अवेयर किया था या फिर सेलर को खुद पता है क्या रिक्वायरमेंट्स इम्पोज है सेलर विल नॉट भी लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ दिक्वायरमेंट्स इन दिचुएशन जब बायर को पता था गुड्स कन्फॉर्म नहीं होंगे सेलर तब लायेबल होगा इफ द नॉन कन्फॉर्मिटी एग्जिस्टेड एट द तो 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 टाइटलिन करे वो गुड्स तो एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी बायर को एग्जामिन करनी चाहिए वो गुड्स जो उसके पास आए हैं जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल सोच लो इवन जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं you ऑनलाइन know, कुछ ऑर्डर कि, किया एमेजोन से ऑर्डर किया तो एज सुन एज पॉसिबल हम वो पार्सल खोल लें चेक कर ले बेटर रहता है क्योंकि एक टाइम पीरियड ही होता है जब हमें अगर रिटर्न करवाना है या एक्सचेंज कराना है राइट right? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो बायर है उसको एग्जामिन कर लेने चाहिए गुड्स एज सुन एज इट इज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी वेन द बायर लेट्स वो खुद डिस्पैच करने वाला है गुड इमिडिएटली ही किसी और पार्टी को तब और सेलर को ये बात पता है तब इट विल बी फाइन अगर बायर इंस्पेक्ट करे गुड्स अपॉन जब वो उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच जाए

इफ नॉन कॉन्फॉर्मिटी नोटिस इज नॉट गिवेन लेट से विदिन टू ईर्स ऑफ डिलीवरी तो जब बायर लूज कर जाएगा कोई भी राइट ऑफ कॉम्पनशन जो उसको मिल सकती थी अगर विद इन टू ईयर्स नहीं पता हावर अगर सेलर को पता था इसी नॉन कॉन्फॉर्मोटी के बारे में एंड ही फेल टू डिस्कलोज दिस टू दायर देन सेलर विल रिमेन रिस्पॉन्सिबल अगर सेलर को पता है और उसने नहीं बताया था बायर को डिस्कलोज नहीं किया था तब सेलर स्टिल रिस्पॉन्सिबल रहेगा थर्ड पार्टी राइट सेलर मस्ट डिलीवर गुड्स जो कि फ्री है फ्रॉम कोई भी थर्ड पार्टी राइट यानी कि किसी और पार्टी के उस गुड्स पे कोई राइट right नहीं होने चाहिए अनलेस ऐसा है और बायर को पता है एंड बायर इज ओके स्टिल ओके विथ इट स्पेशल प्रोविजन रिलेड टू द सिचुएशन जब राइट और क्लेम इज बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी तो इन सिचुएशंस में सेलर फिर डिलीवर करता है गुड्स विच आर फ्री फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइडेड दैट द राइट्स एक्जिस्टेंस इन द लॉ ऑफ जहां पे ये स्टेट वेयर गुड्स वर सोल्ड या फिर वेयर द बायर हैड अ प्लेस ऑफ बिजनेस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाते हैं आपके ट्रेडमार्क हो गए पेटेंट हो गया या कॉपी राइट सच कॉन्ट्रैक्ट वेयर दीस थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी राइट्स आर एफेक्टेड मस्ट इन्वॉल्व की बायर की अवेयरनेस हो एंड इवन एक्सेप्टेंस हो ऑफ राइट्स बायर रेमेडीज अराइजिंग फ्रॉम सेलर्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर सेलर ने जो है एक किया, कुछ गड़बड़ की ठीक है तोड़ा कुछ तो बायर की क्या पास क्या रेमिडीज यू नो अवेलेबल है वो रिक्वायर कर सकता है कि भाई प्रॉपर परफॉर्मेंस हो लेट से सेलर ने सिर्फ आउट ऑफ हंड्रेड नाइनटी चीजें डिलीवर की तो यू कैन देन रिक्वायर की भाई वो बाकी चीजें भी करें वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड भी कर सकता है प्रोपोर्शनली रिड्यूस करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो फिर पे करूंगा या फिर वो सीख कर सकता है फर्स्ट थ्री रेमिडीज इज ऑल्सो क्लेम इसका मतलब अगर आपने उन तीनों में से भी कोई रेमिडी क्लेम की उसके अलावा भी जाके आप स्टिल डैमेजेस को क्लेम हमेशा कर सकते हो When the buyer fails to reply to seller का notice, तब seller entitled है to assume कि buyer ने accept कर ली है वो late performance. अगर you know buyer ने नहीं reply किया seller का notice, तो seller सोचेगा कि भई हाँ मैंने जो भी late performance की वो accepted है buyer से. Where goods are delivered before the due date, the buyer अगर आपने जो है due date से पहले delivery कर दी goods की, तब buyer जो है, आता है या तो accept कर सकता है delivery या even refuse कर सकता है delivery कि वो बोलेगा कि नहीं manage इस date वांगी था उसी दिन दो.

कोई भी अगर नॉन कॉन्फॉर्मिटी ब्रीच है द बायर जो है रिड्यूस करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन प्रपोर्शन टू दैट नॉन कॉन्फॉर्मिटी तो जैसे कि अगर मैंने सारे आइटम्स नहीं डिलीवर किए तो जितना नहीं डिलीवर किया उसका ऑब्वियसली मैं पेमेंट नहीं दूंगी प्रपोर्शनेटली फिर मैं उसका प्राइस रिड्यूस कर दूंगी फिर सेलर ने हावेवर करेक्ट कर दी वो नॉन कॉन्फॉर्मिटी तब बायर नहीं रिड्यूस करवा पाएगा प्राइस पर इफ थर्ड पार्टी राइट्स आर इन्वॉल्व एंड बायर कुड नॉट रीजनेबली हैव नोन कि ऐसी कोई राइट थी फिर बाद में उसको जाके पता चला है तब बायर रिड्यूस करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अब ऑब्लिगेशन क्या है किसी भी बायर के बायर को लेनी होगी डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज स्पेसिफाइड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही मस्ट कि वो पे करे एक प्राइस वो भी जो भी वो गुड्स हैं इफ द प्राइस जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया आपने कॉन्ट्रैक्ट में तब अज्यूम किया जाएगा कि बायर एंड सेलर के पास एक अग्रीमेंट है टू सेट द प्राइस जो कि प्रिवेल किया है एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर प्राइस डिटरमाइन किया गया है बाय लेट्स से जो वेट ऑफ डिलीवर गुज है लेट्स से बाय केजी तो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी बेस्ड ऑन द नेट वेट प्लेस ऑफ पेमेंट इफ नॉट स्पेसिफाइड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ पेमेंट करना है कौन सी जगह पे तब इट विल बी या तो सेलर की प्लेस ऑफ बिजनेस या इफ पे पेबल वेन गुड्स और डॉक्यूमेंट्स डिलीवर किए गए बायर को एट द प्लेस जब उसने डिलीवरी ली है सेलर की अब क्या रेमेडी है अगेन बायर्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बायर भी तो कुछ कर सकता है शायद वो पेमेंट नहीं कर रहा है डिले कर रहा है तो अगर बायर ने कुछ ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट में तो सेलर के पास फिर क्या रेमेडीज अवेलेबल है कि वो रिक्वायर कर सकता है कि वो एक्सेप्ट करे वो गुड्स रिक्वायर कर सकता है पेमेंट फॉर द गुड्स अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन वो भी सीख करता है फॉर डैमेजेस अब डैमेजेस मे बी क्लेम बाई ईदर पार्टी इन एडिशन टू एनी अदर रेमेडी क्लेम इसका मतलब कि अगर आप कोई और रेमेडी भी क्लेम करो जैसे कि सेलर से अवॉइड भी कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट वो फिर भी जाके क्लेम कर सकता है डैमेजेस एंड सेम गोज फॉर योर यू नो बायर सेलर दोनों पार्टी के लिए कि अगर आप इसमें से कोई भी uh, रेमेडी क्लेम करते हो उसके अलावा जाके आप स्टिल डैमेजेस को कर सकते हो सीख इज द मॉनिट्री अमाउंट इज क्लेम्ड इन कॉम्पेशन फॉर जो भी आपने लॉस सफर किया है

By buying replacement को, जैसे कि मैंने अगर बायर को गुड्स नहीं मिल रहे हैं तो रिप्लेसमेंट गुड्स खरीद ले और क्लेम करे वो ओनली द अमाउंट जो किस पे किया था तो जैसे कि हंड्रेड का मुझे मिलना था पर वो मुझे नहीं दे रहा सैलरी तो मुझे कहीं और से महंगा खरीदना पड़ रहा तो है वन ट्वेंटी जो डिफरेंस है ट्वेंटी मैं फिर वो क्लेम कर पाऊंगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट एंड अवॉयडेंस तो वन पार्टी का फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ इन्ट्रेक्चुअल एब्लेशन उसको कहा जाता है एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब कोई भी एक पार्टी अपने साइड का जो है फुलफिल नहीं करती है ऑब्लिगेशन उसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये दो टाइप के होते हैं अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था एक तो ब्रीच यानी कि सस्पेंशन ऑफ परफॉर्मेंस यहां पे एक पार्टी इन्फॉर्म कर देती है एडवांस में कि भाई वो नहीं परफॉर्म कर पाएगी जो भी उसका साइड है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो जो इंजर्ड पार्टी वो ट्रीट कर सकती है इसको एज रेपेशन यानी कि कैंसिलेशन और क्लेम करेगी डैमेजेस और ओनली क्लेम डैमेजेस और शायद कंटिन्यू भी कर सकती है करें दूसरा टाइप का जो ब्रिज होता है वो होता है फंडामेंटल ब्रिज यानी कि अवॉइडेंस ही होगा यहाँ पे फंडामेंटल ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब जो भी पार्टी ऑफेंड करी वो फेल टू कंप्लीट करती है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म जो कि बहुत ज्यादा फंडामेंटल था कॉन्ट्रैक्ट उस वजह से जो दूसरी पार्टी है वो भी फुलफिल नहीं कर पाएगी अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसलिए उसको कहते हैं फंडामेंटल ब्रीच अब क्या इफेक्ट होते हैं अवॉइडेंस के यानी कि अवॉइडिंग द कॉन्ट्रेक्ट जो है रिलीज करेगा बोध द पार्टी को फ्रॉम देअर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रेक्ट बट द पार्टीज स्टिल विल हैव अ राइट की वो क्लेम कर सके जो भी उनको डैमेजेस सफर हुए हैं एनी प्रोविजन इन रिलेशन टू द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एनी अदर प्रोविजन इन कॉन्ट्रैक्ट जो कि गवर्न करेगा पार्टीज की राइट एंड द राइट टू क्लेम रेस्टिट्यूशन ऑफ द गुड्स बायी हुफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट या तो होली और इन पार्ट देन वी कम टू इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब डिलीवरी जो आप गुड्स की करते हो इंस्टॉलमेंट में करते हो राइट ऑफ द इंजर्ड पार्टी भी जो है डिपेंड कर दी कि कि किस टाइम पे ब्रीच हुआ था वो so, लेट्समेंट का कॉन्ट्रैक्ट अब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही ब्रीच कर दिया लेट से आपने गद्दी क्वालिटी का सामान दिया टूटा फूटा सामान बेच दिया तब जो है बायर ट्रीट कर सकता है कि वो होल कॉन्ट्रैक्ट को कर दे कैंसिल अवॉइड कर दे अगेन दस इंस्टॉलमेंट का कॉन्ट्रेक्ट है बट फर्स्ट सेवन इंस्टॉलमेंट उसने एक्सेप्ट कर लिया सब ठीक थी, था एथ इंस्टॉलमेंट में जाके कोई ब्रीच होता है तब बायर जो है ही वाइकली बी एबल टू रिजेक्ट ओनली दैट एथ इंस्टॉलमेंट और वो फिर क्लेम कर सकते हैं डैमेज या फिर रिक्वायर कर सकते हैं कि आप रिप्लेस करो प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स तो पार्टी जिसके पास होंगे पोजिशन ऑफ गुड्स ठीक है जो बिलोंग करते हैं दूसरी पार्टी को उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको करे प्रिजर्व जैसे कि आपको यादव हमने सेशन में भी देखा था अगर बायर के पास तब गुड्स हैं या सेलर के पास है जिसके पास भी उनकी ड्यूटी है कि वो प्रिजर्व करे चाहे जिस अगर पेरिशेबल है तो उसको यू you नो know, कहीं अगर वेयर हाउस में डलवाना है या कहीं पर भी डलवाना है आइसिंग फेसिलिटी में तो वो कराएं बट एट ए रीजनेबल कॉस्ट कब रिस्क पास हो जाती है सेलर से बायर की ओर तीन पॉसिबल सिचुएशन है अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन्वॉल्विंग कैरेज या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स हैं सोल्ड वायल इन ट्रांजिट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं इन्वॉल्व करते ट्रांजिट इन तीनों सिचुएशन में हम देखेंगे वेन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग कैरेज यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स हैं इफ़ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई कि क्या इवेंट है टाइम है या प्लेस है जब ये रिस्क पास होगी तब रिस्क पास होगी अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट टर्म अगर ऐसा कोई टर्म ही मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तब रिस्क पास हो जाती है जब ये गुड्स आप दे देते हो कैरियर को और फर्स्ट कैरियर अगर एक से ज्यादा है for, for be, say, say, example, आपको डिलीवरी करानी किसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में एंड दो इन ट्रांजिट तब रिस्क पास होती है बायर को एट द टाइम जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो

एंड क्या है उनके मीनस ऑफ पेमेंट और राइट तो इसमें सबसे पहले है हमारा बिल ऑफ लेडिंग जो कि अगर आपको याद हो था एक डॉक्यूमेंट जो कि कौन इशू करता है कैरियर इशू करता है किसको सेलर को या किसी एजेंट को भी यहां पे वो एक्नोलेज कर रहा है कि हाँ भाई कैरियर ने रिसीव कर लिए गुड्स एंड दैट दे हैव बीन प्लेस्ड ऑन बोर्ड बेसिकली अ पर्टिकुलर वेसल विच वॉज बाउंड फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन एविडेंस इज द टाइमिंग ऑफ पासिंग ऑफ गुड्स टू दी कैरियर बेसिकली एविडेंस देता है कि हाँ भाई इस पॉइंट पे जो है गुड्स पास हो गए थे कैरियर को एंड नॉर्मली देअ फॉर ऑल्सो ये नवि कि किस पॉइंट पे जो रिस्क है वो बायर के पास जा रहा है अनलेस जो ऑफकोर्स पार्टीज ने कुछ और सेपरेटली अगर, अगर अग्री नहीं किया है तो देन बिल ऑफ लीडिंग हमने देखा है कि भाई दो टाइप के हैं आपके नेगोशियबल और नॉन निगोविशियेबल हो सकते हैं या फिर इनलैंड ओशियन और थ्रो हो सकते हैं या फिर इट एयरवे बिल ऑफ लीडिंग इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि भाई नेगोशियबल बिल ऑफ लीडिंग क्या है कि द पर्सन हु ओन्स द बिल ऑफ लीडिंग ऑल्सो दफो ओन्स द गुड्स जिसके पास बिल ऑफ लीडिंग है वो करेगा गुड्स ये बिल मे किया जाता है इन द फेवर ऑफ द सेलर दैरियर है वो होल्ड करेगा गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर और जो भी सेलर है वो प्रेजेंट करता है ये बिल एक बैंक को ऑफ़ पेमेंट एंड देन डोज कर सकता है बिल को बाय साइनिंग इट नॉन भी था यानी कि ये बिल जो है मेड आउट किया जाता है इन द फेवर ऑफ द बायर टू होम द कैरियर मस्ट डिलीवर टू गिट्स और जो आपके सारे एयरवे बिल्स होते हैं वो होते ही हैं नॉन नेगोशिएबल देन हमने पढ़ा था इनलैंड बिल ये रिलेट करता है टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरेज ओवरलैंड टू इंटरनेशनल पॉइंट यानी कि अगर एक पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर से अगर आप लेट से शिपिंग पोर्ट तक ले जा रहे हो देन आपका आता है ओशियन बिल ये रिलेट करेगा ऑफकोर्स टू अंट्रैक्ट टू यू नो फॉर अ कैरेज एक पोर्ट से लेके दूसरे सेलर स्टेट टू अफाइड पोर्ट जो कि दूसरे स्टेट में होगा तो एक पोर्ट से जो कि एक स्टेट में दूसरे पोर्ट तक जो कि दूसरे स्टेट में ये हो गया ओशियन बिल देन आपका है थ्रू बिल ये रिलेट करेगा टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरेज जो कि इफेक्टिवली कॉम्पैक्ट कंबाइन कर देता है बेसिकली दोनों को एक तो इंग्लैंड को और एक ओशन को ए, मतलब लेट्स से आपके पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर से पर एक स्पेसिफाइड पोर्ट तक जा रहा है जो कि बायर के स्टेट में है। एंड फाइनली था आपका एयरवे बिल ये रिलेट करता है टू अ कॉन्ट्रैक्ट दिस रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर कैरेज ऑफ गुड्स ऑफ कोर्स जो जा रहे हैं बाय एयर एंड अप्लाई करेगा दोनों चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो देन हमने पढ़ा था क्या यूनिक्टल मॉडल लॉज है ऑन योर इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफॉर्म क्रेडिट ट्रांसफर बेसिकली सीरीज ऑफ ऑपरेशंस होती है जो कि बिगिन करती है ओरिजिनेटर के पेमेंट ऑर्डर से जिसका पर्पज ऑफकोर्स यही है कि आपको फंड्स प्लेस करना है डिस्पोजेबल ऑफ अ बेनिफिशियरी देन हमने बात की थी बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक ऑर्डर होता है विच इज रिटर्न बाय अ पर्सन टू अनदर टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू बेसिकली अनदर पर्सन और बेर ऑन अ पर्टिकुलर डेट ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे ये कंटेन कर रहा है एक अनकंडीशनल ऑर्डर जब जो भी ड्रॉअर है वो डायरेक्ट करता है एक ड्रॉई को यूजली ड्रॉई बैंक होगी कि वो पे करे एक डेफिनाइट सम ऑफ मनी टू द पे यानी कि सेलर को तो ड्रॉअर हो गया बायर पे हो गया सेलर

इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज वो भी आप मैं उस बिल पे ड्रॉई जैसे कि मैंने कहा यूजली बैंक होगा ड्रॉय आपका बायर हो गया एंड ड्रॉई एंड पे आपका सेलर हो गया जिसको पैसा मिलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो बेसिकली पे जो है किसी और दूसरे होल्डर को दे सकता है यू हैव गेट अलंटर इन केस ऑफ नीड सच अ पर्सन जो गारंटी करता है प्रेज्यूम करता है कि वो गारंटी कर रहा है कि हाँ भाई जो भी ड्रॉइ है वो पे कर देगा बिल ऑन फाइनल प्रेजेंटेशन हाउ मच इज द बिल फॉर कितने का बेसिकली बिल होना होगा तो द सम पेबल ऑन बिल इज डीम्ड टू बी ऑफ अ डेफिनेट सम यानी कि ये तब भी लागू है अगर बिल आप यू नो विद इंटरेस्ट दे रहे हो या इन in इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो या इफ इज अकॉर्डिंग टू अ रेट ऑफ एक्सचेंज या इफ इट इज टू बी डिटरक्टेड बाय द बिल सो इन अ करेंसी अदर देन द करेंसी इन विच सम इज एक्सप्रेस्ड इन द बिल देन क्या होता है इट रिलेट्स टू द वे इन विच आपका इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज को आप ट्रांसफर कर सकते हो एंड इससे आप क्या अलाउ करो कि जो ओरिजिनली ओरिजिनल बेसिकली पे है जिसको ये मिलना है वो ट्रांसफर कर देता है किसी और इंसान को जिसको उसको लेट से पेमेंट करना था बाई सिंपली साइनिंग इट एंड एन एंडोर्समेंट मस्ट बी रिटर्न ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज अटैच टू इट या आपको लिखना भी होगा ली थी कि भाई हाँ वो एक पेमेंट करेगा टू अम्ड बेनिफिशरी विद इन अड टाइम अगेंस्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच कंप्लाई स्ट्रिकली विदर्म लेटर ऑफ क्रेडिट कुछ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं इसका मैकेनिजम क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले बी हम आपका बायर होगा यहाँ पे जो हमने यू you नो know, वो दिए हैं शॉर्ट फॉर्म बी होगा यहाँ के लिए बायर का बैंक या इशूइंग बैंक एस इज द सेलर एस बी इज योर सेलर का बैंक है एडवाइजिंग बैंक तो जो बायर है वो आज करते अपने बैंक को बायर के बैंक को कि भाई वो इशू करे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ द सेलर फिर बाई इशू जो बैंक है बायर का वो गारंटी करेगा कि हाँ भाई एस विल बी पेड बट इट विल आस्क जो एज सेलर का बैंक है कि वो एडवाइस करे इसको कि भाई उसके उस उसपे एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो रहा है फिर सेलर का बैंक जो है अग्री करेगा कि भाई वो हैंडल करेगा अपने एंड ऑफ द प्रोसेस सेलर जो है प्रोड्यूस करेगा अपने बैंक को यानी कि सेलर के बैंक को जो भी प्रूफ ऑफ यू नो डिलीवरी है कि भैया हाँ मैंने ट्रांसफर किए हैं गुड्स सेलर का बैंक पे करेगा सेलर को और फिर फॉरवर्ड करेगा डॉक्यूमेंट्स बायर के बैंक को बायर का बैंक जो है चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स पे कर देगा सेलर के बैंक को देन बायर का बैंक डेबिट करेगा बायर का अकाउंट और फिर हैंड करेगा डॉक्यूमेंट्स बायर को लेटर ऑफ क्रेडिट जो है कन्फर्म हो सकता है या अनकनफर्म कन्फर्म तब होगा जब इस स्टेप पे स्टेप फोर जो है सेलर का बैंक अगर अपनी गारंटी ऐड कर दे तो वो जाता है कन्फर्म अनकर्म तब होता है जब सेलर का बैंक डज नॉट ऐड कोई भी कंफर्मेशन या गारंटी कि भाई सेलर पे होगा तब वो माना जाएगा अनकन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट रिवोकेबल और इिवोकेबल भी हो सकते हैं यानी कि जो है चेंज कर सकता है details, without notifying the seller, जो कि में sellers नहीं accept करते uh, revocable, letter of credit, क्योंकि ऑफकोर्स ये उनके लिए काफी घाटेदार है एंड इिवोकेबल जहाँ पे जो कि सेलर को ज्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पे बायर जो है अमेंड नहीं कर सकता कोई भी डिटेल्स ऐसे ही सेलर देन वी कम टू दी लेटर ऑफ कंफर्ट नाव ये अभी हमने देखा था कि यह अप्लाई होंगी टू सिचुएशन जो कि इन्वॉल्व करेगा ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ पे जो है लेटर ऑफ कंफर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि पेरेंट जो है वो एक लेटर ऑफ कंफर्म देती है जहाँ पे वो बेसिकली बोल रही है कि हाँ भाई मुझे पता है मेरी एक सब्सिडी जो है वो लेट से पैसा उठा रही है मार्केट से जिससे भी रिलेटेड है बट एज सच अगर कल को सब्सिडी डिफॉल्ट करती है तो पेरेंट पे वो आके नहीं बोल सकते कि आप हमारा पेमेंट करो क्योंकि उन्होंने बस एक लेटर ऑफ कंफर्ट दिया था

ऑल राइट right. इसी के साथ खत्म होता है हमारा रिविजन सेशन पार्ट वन अब जो है हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहां हम जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स है उसको रिवाइज करेंगे रिविजन सेशन पार्ट टू में अभी हमने शुरू के काफी चैप्टर्स को कर लिया है रिवाइज तो नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के चैप्टर्स को करेंगे रिवाइज टिल देन दिस इज दिशा चौहान साइनिंग ऑफ